Hi guys, welcome back to my channel Grace and Glow. This is Manjula Singh, your beauty expert. और लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि आप मॉनसून में अपने बालों को कैसे सही सलामत रख सकते हैं. इसका मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि दो सीरीज़ में बनाऊंगी. एक पहला सीरीज़ होगा जिसमें मॉनसून सीज़न में आप अपना हेयर केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, ऑयली या ड्राई जो डैंड्रफ होते हैं उससे आप अपने बालों को फ्री कैसे रख सकते हैं. इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आप हेयरफॉल कैसे रोक सकते हैं. मॉनसून सीज़न में अक्सर देखा गया है कि बाल बिल्कुल जड़ों से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है. पूरे साल अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा फिर भी मॉनसून में थोड़ा बहुत होता है. किसी किसी का तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है और जड़ों से जब बाल टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाल बचेंगे ही नहीं. कई लोग मेरे पास, कई क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंजी हो जाऊंगी, या फिर डर लग जाता है थोड़ा सा. और ऐसे भी अपने बालों का ख्याल सब रखते हैं तो बालों का टूटना, बालों का पतला होना, कमज़ोर होना किसी को अच्छा नहीं लगता. तो चलिए, प्रॉब्लम आपके पास है तो सोल्यूशन मेरे पास है. और आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप सीवियर हेयर फॉल रोक सकते हैं. इनफैक्ट जो हेयर फॉल हुए हैं वो बाल आपके वापस कैसे आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ रीग्रोथ कैसे हो सकता है, उसका मैं बहुत ही आसान DIY बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करें तो ना सिर्फ आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं बल्कि हेयर का रीग्रोथ भी दोबारा से हो जाए. मॉनसून सीजन में सबसे अच्छा केयर ये होता है बालों को कि आप प्री कंडीशनिंग करें, जिसका मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगी. तो चलिए, अब देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हेयर फॉल का सोल्यूशन क्या है और किस तरह से आप अपने बालों का आप झड़ना रोक सकते हैं. तो इस हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. एक कॉम्बिनेशन मैंने एक पेस्ट तैयार किया है जिसमें मैंने डाला है करी लीव्स है इसमें, जिसको करी पत्ता भी बोलते हैं, पान का पत्ता है जिसको बीटल लीफ बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है गूसबेरी. एक मैंने हरा आंवला लिया है, 8 से 10 पत्ते मैंने करी पत्ता लिया है, और पान का पत्ता मैंने 2 लिया है मीडियम साइज़ का. उसका मैंने इस तरह का एक पेस्ट बना लिया है. ज़रूरी नहीं है कि पेस्ट बहुत ही बारीक हो, बहुत ही महीन हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको स्ट्रेन करेंगे. तो ये हमने तैयार कर लिया है 3 चीज़ों का मिश्रण, और उसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, सेम क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल, और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में ये कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि जब आपके बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो ये कैस्टर ऑयल ही आपके बालों को सेव करेगा. और इन 3 ऑयल का जो कॉम्बिनेशन हमने इसमें डाला है वो डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके हेयर फॉल इमीडिएटली रुक जाएंगे. तो ये हमने इसमें जो आंवले का, करी पत्ते का और पान का, तीनों का हमने ये मिश्रण तैयार किया, उसमें तीनों ऑयल ऐड किया, और लास्ट में हम उसमें 4 से 5 बूंद हम इसमें रोजमेरी ऑयल डालेंगे. रोजमेरी भी हेयरफॉल को रोकता है. तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है. इसको हम माइक्रोवेव करेंगे. स्ट्रेन करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए. और इसको अपने बालों में, स्कैल्प में पूरी तरह से, अच्छी तरह से लगाइए. मेक श्योर कि आपके फुल, आपके जो बालों के रूट्स हैं वो कवर हो गए हैं. इससे लेंथ वाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आप आराम से इसको 2 घंटे तक रखना है, फिर आपको हेयर वॉश कर लेना है. इसके बेनिफिट को और बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी कि इसी मिक्सचर में आप छोटा सा हाफ जिंजर का टुकड़ा अगर पेस्ट करके डाल दीजिए तो आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी. उससे क्या होगा कि ना सिर्फ हेयर फॉल रुकेगा बल्कि बालों की दोबारा से रीग्रोथ भी होगी. देखा आपने ये ऑयल बनाना कितना आसान था. इनफैक्ट ये ऑयल नहीं है, ये पूरा एक मास्क है जो आपको सिर्फ बालों के रूट्स में, हेयर रूट्स में अप्लाई करना है, पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है. पूरा हेयर लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है. बस आप इसको स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाकर 5 से 10 मिनट तक इसे मसाज कीजिए और 2 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए. वीक में 3 दिन लगाना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 दिन भी अप्लाई कर सकते हैं. और 2 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए. शैम्पू कौन सा अच्छा होगा वो भी मैं बता चुकी हूँ, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. कई बार ये होता है कि अगर आपके हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि हो सकता है वो शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा. इस मास्क का बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा जिंजर जूस ऐड करें तो ना सिर्फ आपके हेयरफॉल रुकेंगे बल्कि आपका हेयर रीग्रोथ भी होगा. जो बाल झड़ चुके हैं या निकल चुके हैं वो दोबारा से आ जाएंगे. तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.